बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे ही द्रौपदी मुर्मू को लेकर ये बताया गया कि उनको कितने वोट परसेंट मिला है या कितना उनका वैल्यू हुआ है, उसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। तो सुरक्षा यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू की बढ़ा दी गई है और इसके पीछे की वजह साफ तौर पर यही है कि बस आधिकारिक तौर पर इस बात का भी ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति इस वक्त बनने जा रही है। हालांकि 25 जुलाई को सबसे बड़ी तस्वीर शपथ ग्रहण के तौर पर आएगी, लेकिन जो अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक उनकी सुरक्षा पूरी तरह से और ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि महामहिम का वो गरिमामय पद है जिसके चलते अब ये बड़े फैसले एक के बाद एक अभी लेने बाकी हैं। अभी और भी कुछ फैसले सपना यहाँ पर लिए जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला और सबसे ज्यादा जरूरी फैसला है वो है उनकी सुरक्षा, जिसे लेकर ये अपडेट। हालांकि जैसे ही उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया था उसके बाद ही उनको सुरक्षा दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद अब जब हम देख रहे हैं कि अब आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, बस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप जल्द ही सुनेंगे, आधिकारिक ऐलान इसका होना बाकी है, उससे पहले ही उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लगातार मयूरभंज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऋतिका हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है, रश्मि हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। किस तरीके से सबसे पहले जो तस्वीर निकल कर आएगी वो यही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने जाएंगे, लेकिन इसी बीच रश्मि हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। रश्मि, आप मुर्मू जहां पर अभी मौजूद हैं उस आवास के बाहर हैं, कैसी तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को आपने देखा वो आदिवासी नृत्य करते हुए भी दिखाई दिए वहां पर। बिल्कुल सपना, आपने जिन तस्वीरों के बात की है कुछ इसी तरह की तस्वीर इधर भी निकलकर सामने आ रही है। अभी हम लोग द्रौपदी मुर्मू के आवास में ही मौजूद है, बाहर की हलचल कुछ और हैं, अंदर की रौनक कुछ और है। हम लगातार चाहते हैं कि इस तस्वीर को, इस महामंच को दिखाएं जहां पर भावी महामहिम यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आपको नजर आएंगी, जैसे ही काउंटिंग खत्म होगी, जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि नतीजे द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में नजर आ रहे हैं, काउंटिंग चल रही है और जैसे ही काउंटिंग ओवर होती है देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे यहाँ पर और महामहिम को, भावी महामहिम को मुबारकबाद देंगे, बधाई देंगे। और यहाँ पर हम चाहेंगे कि फिलहाल आपको हलचलें दिखा दे, किस तरह की तैयारियां की गई यहाँ पर, क्योंकि जमाता है और यहाँ पर काफी बिल्कुल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा का घेरा काफी मजबूत नजर आ रहा है। यहाँ पे चप्पे पर आपको सिक्योरिटी गार्ड्स नजर आएंगे और यहाँ पर आप ये भी बता दें, अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो मीडिया पर्सन भी आ रहे हैं तो कड़ी सुरक्षा का घेरा उनको पार करना पड़ा है, यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस हद तक यहाँ पर तैयारियां हैं। तो देखिए, जो लगातार हम बात कर रहे हैं, पूरे देश में जश्न का माहौल है और हो भी क्यों ना, हम जिस तबके की बात करते हैं, एक वंचित तबके की बात करते हैं, सबसे पिछले पायदान की बात करते हैं, वहां से कोई महिला कैंडिडेट निकल कर आती है और पूरे देश को लीड करती है। सोचिए जरा, आपने भी सुना होगा, उनके टीचर खुद कहते हैं कि वो स्कूल टाइम में अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में टॉपर थी, तो सोचिए क्लास की टॉपर आज देश की सबसे टॉप डिजिग्नेशन पर, यानी कि सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं, तो फख्र का ये क्षण है सभी भारतीय के लिए, खास तौर पर महिलाओं के लिए कहा जाता है। और देखिए, माना भी जा रहा है कि पार्टी की तरफ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि एक महिला लीड करने जा रही, वो भी आदिवासी महिला, और देश के इतिहास में ऐसा पहली मर्तबा होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, क्या विपक्ष के लोग, क्या पक्ष के लोग, कहीं ना कहीं, और आम जनता की बात करें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की हम बात करें, तो फक्र आज पूरे देश को हो रहा है। आखिरी पंक्ति में मौजूद वो वर्ग आज महामहिम के इस पद पर विराजमान होने जा रहा है, सिंहासन को अपने नाम करने जा रहा है। और इस बीच ऋतिका हमारी सहयोगी भी हमारे साथ बनी हुई है। ऋतिका, जब निजी पन्नों की जिंदगी के को हम पलटते हैं द्रौपदी मुर्मू के, तो पाते हैं कि उन्होंने एक शब्द बहुत अच्छे, बहुत ही बखूबी तौर पर कहे थे कि कठिनाइयां जिंदगी का हिस्सा है, ये आती रहेंगी, इनसे बाहर निकलना है तो आपको खुद आगे बढ़ना होगा, कोई पीछे से आपको पुश नहीं करेगा, कोई धक्का नहीं देगा। उसी गांव में सब में एक जश्न का माहौल है। ऋतिका, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो किस तरह से जश्न का माहौल और भी ज्यादा तेज हो गया है, किस तरह से ढोल नगाड़ों के बीच ये मिठाइयां बांटी जा रही हैं। लेकिन सपना ये जरूर कहा जा सकता है, जो बात यहाँ पर रश्मि भी कह रही थी, एक ऐसे वर्ग से एक ऐसी शख्सियत का आना जो बेहद आम रही लेकिन अब बेहद खास हो चुकी है और इस पद पर विराजमान होने जा रही है बस कुछ ही देर में। संघर्ष, जीवटता,
समर्पण की कहानी अपने साथ लिए, कैसे मयूरभंज से रायसेना हिल्स तक पहुंची द्रौपदी मुर्मू, वो हम सब ने पढ़ा है। द्रौपदी मुर्मू, उनका अगर आप राजनीतिक करियर भी देखेंगे, 1997 में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर देखिए, कभी वो पार्षद थी, उस दौर में उन्होंने राजनीति को शुरू किया और आज वो देश के सबसे बड़े पद पर आसीन होने जा रही हैं। बीजेपी ने जब द्रौपदी मुर्मू को बतौर कैंडिडेट उतारा तो विपक्षी खेमे में भी खलबली मची, क्योंकि यशवंत सिन्हा को बतौर कैंडिडेट उतारकर विपक्षियों ने जरूर ये सोचा कि दो दशकों तक जो नेता बीजेपी के साथ रहा, अगर हम उसे ही खिलाफ खड़ा कर देते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये हम एक मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। लेकिन बीजेपी ने एन मोमेंट पर ऐसा नाम सामने उतारा। रितिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गई हैं। रितिका, तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं, अब आधिकारिक ऐलान होना बाकी है और वहां के लोग हैं वो देख चुके हैं पास से उस संघर्ष को, जीवितता को, समर्पण को, और आज वो इसी को समेट रहे हैं अपने साथ में। और हर एक भारतीय ये भी सोच रहा है कि अगर द्रौपदी मुर्मू तो हम भी वो हो सकते हैं, और खासतौर पर आदिवासी।